بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। किसान भाइयों के लिए आज एक ख़ास वीडियो है आड़ू के मुतलक, जो स्वात, गिलगित, कश्मीर और कोयटा वगैरह के इलाकों में होता था। अभी पाकिस्तान के गर्म इलाकों में इसकी काश्त बआसानी की जा सकती है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं सारी की सारी पंजाब की है। हमारे यहाँ इधर तहसील ज़फरवाल में इसका बाग जो है ना, जम्मू हाउस दरमान में मियां रशीद उसने लगाया हुआ है। और भी बहुत से बाग हैं छोटे छोटे। तो ये जो पिक्चर अभी देख रहे हैं आप, ये है फोटा पास की, जो दुनिया अपना पाकिस्तान का गर्म तरीन इलाका है और है भी रेगिस्तान रेतला इलाका। इसको पानी की कम ज़रूरत होती है और ये बहुत ज़्यादा फल देता है। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी का आड़ू है। ये देखे इतने गर्म इलाके में, फोटाबास के इलाके में अगर हो सकता है तो क्या पंजाब के दूसरे इलाकों में नहीं हो सकता? सिंध में नहीं हो सकता? बलूचिस्तान के दूसरे गर्म इलाकों में नहीं हो सकता? हो सकता है। ये जो है पतोकी की है, पतोकी में लगे हुए हैं बाग, उकाड़ा के लगे हुए हैं। ये उनकी पिक्चर है, मेरे दोस्त ने मुझे भेजी थी। तो आप खुद आइडिया लगाएं, अगर इन गर्म इलाकों में अगर हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं लगा सकते भाई? रेट भी इसका बहुत अच्छा है। तो पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह हर फसल हो सकती है। पंजाब क्या, हमारे पूरे खित्ते पाकिस्तान में, पाकिस्तान अल्लाह ताला ने ऐसी पाकिस्तान को सरजमीन अनायत की है कि इसमें हर किस्म का फल, हर किस्म की सब्ज़ी, हर चीज़ इसमें हो सकती है। सिर्फ़ अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। अगर हम अपनी सोच ही नहीं बदलेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो इटाली कीकर के पीछे ही लगे रहेंगे बस। तो अपनी सोच को बदलें और अपने अपने इलाकों में इसकी आड़ू की, बादाम की, अखरोट की, ये सारी फसलें हो सकती हैं। पिस्ता हमारे इन इलाकों में हो सकता है, काजू हो सकता है, यानी कि हर कोई फसल इधर हो सकती है अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी तवज्जो इस तरफ दें। तो इंशाल्लाह कोई ऐसी फसल नहीं दुनिया की जो पाकिस्तान के खित्ते में नहीं हो सकती। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ये सारे के सारे जो मैं दिखा रहा हूँ ना पिक्चर, कुछ फोटापास की हैं, कुछ उकाड़े की हैं, कुछ पतों की हैं, मुझे मेरे दोस्तों ने भेजी हैं, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी है। तो देखें, ये अगर हमारे इधर पंजाब में हो सकता है। मैं ये अपने ज़फरवाल की बात बताता हूँ। ज़फरवाल में अहमद चौधरी, अहमद, तो उसने अपने बाग में लगाए हुए हैं इसके पौधे। तो बहुत मीठा फल है, बहुत मीठा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का इधर होता है। शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।